किसान भाइयों, आज हम किसान एग्रो कार्ड की तरफ से यवतमाल जिले में घाटंजी तहसील में आए हैं। महाराष्ट्र जिले में ये पड़ने वाला, यहाँ पे ये लाइट ग्रीन चिली आप देख रहे थे अभी, अद्भुत स्टारफील्ड क्रॉप साइंस की। तो इस वैरायटी का आप देख सकते हैं, इस प्लॉट का लगभग पौन एकड़ का प्लॉट है और इसमें आप शालकोन वैरायटी भी देखोगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अद्भुत वैरायटी के इस वैरायटी के प्लॉट में आने के बाद में आपको अभी हमारे प्रतिनिधि बता रहे हैं अद्भुत वैरायटी का। ये लाइट ग्रीन सेगमेंट में पड़ने वाली है ये वैरायटी। लगभग इसकी लंबाई जो है 12 से 13 सेंटीमीटर की है, जबकि राइट साइड में आप जो देख रहे हैं वो है शालकोन वैरायटी, जो 7 से 9 सेंटीमीटर तक की लंबी होती है और वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए अच्छी जानी गई शालकोन वैरायटी है। तो अद्भुत जो सेगमेंट की वैरायटी है, महाराष्ट्र जिले में मराठवाड़ा जो एरिया पड़ता है, मुझे पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा, बीच का जो महाराष्ट्र जो पड़ता है, उस वाले एरिया में लाइट ग्रीन सेगमेंट की वैरायटियां ज़्यादातर चलती है। तो इस हिसाब से हमने आज सोचा कि अद्भुत वैरायटी का भी वीडियो करके किसानों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे पाए। और नॉर्थ इंडिया के भी बहुत सारे किसान चाहते हैं कि अद्भुत वैरायटी का एक अच्छा वीडियो हम बनाएं और लोगों को बताएं कि ये वैरायटी कैसी है। तो आज हमारे यहाँ पे किसान जो है, इनका हम परिचय जानेंगे और उन्होंने क्या कैसे अनुभव लिया इस वैरायटी के, उसके बारे में भी थोड़ा सा उनकी दिलचस्पी को देखेंगे इस वैरायटी के। नमस्कार, आपका क्या नाम है? सर, मैं विजय राठौड़, घाटंजी तालुका, मेरे खेती जो है सायखेड़ा में है, सायखेड़ा से हूँ। ये मुक्काम सायखेड़ा तहसील यवतमाल आता है, लेकिन ये घाटंजी से नज़दीक आता है और जिला यवतमाल है और महाराष्ट्र में है। ठीक है सर, आपने ये आपका ये यहाँ पे कितने एकड़ का प्लॉट है और आपने कौन सी वैरायटी के कितने पैकेट और कितना लगाया? ये एक एकड़ से कम है, इसमें 10 पैकेट थे, मतलब लगभग 8 या 9 पैकेट का ये प्लॉट होगा। और इसमें शार्क वन की भी वैरायटी है और ये अद्भुत की वैरायटी है और शार्क वन का हमने थोड़ा सा लगाया कि दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, इस दोनों क्रॉप में कितना गेन मिलेगा, मतलब कितना मुनाफा मिलेगा, इसकी वजह से दोनों वैरायटीज हमने लगाए हैं। अच्छा, तो सर अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्टारफील्ड क्रॉप साइंस की वैरायटी के सिवाय आपने पहले भी कौन सी वैरायटी इसके पहले लगाई हुई थी? नहीं, हमने तो चिली लगाना छोड़ दिया था, 20 साल पहले हमने चिली लगाए थे, तो उसमें वो अनमोल था, वंडर हार्ट था, उसके बाद में इतना अटैक बढ़ गया, फिर हमने लगाना छोड़ दिया। फिर बाद में हमें ये साल, मतलब 2021 में एक हमारे जो किसान भाई थे जिन्होंने स्टार फील्ड का एक्सपीरियंस लिया था, उनसे हमने मुलाकात की, फिर हमारे जो एजेंट है सैयद भाई, उनसे मिले शेख भाई, फिर उन्होंने बताया कि वायरस फ्री और अटैक कम वाला वैरायटी है, आप ये चूज कर सकते हो। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, अभी इतने साल के बाद में हम कुछ नया कुछ करना चाह रहे हैं, तो कुछ ज़रा सेंसिटिव वाला एटम नहीं होना चाहिए, तो हमने ये चूज़ किया और उसका रिजल्ट जो है आप सब लोग देख रहे हैं, उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा। तो आपने इस वैरायटी को लगाने का ऐसा कहाँ से कैसा मन बनाया? इसका कलर वगैरह आपको कुछ बताया गया था, तो फिर आपको क्या उसके पीछे का आपकी सोच थी, बताएंगे थोड़ा? ये डार्क ग्रीन जो है कुछ कुछ एरिया में चलता है, मतलब और इसका जो कलर है, ये कलर थोड़ा गोल्डन टाइप का आता है, तो थोड़ा गोल्डन शेड है। तो इस गोल्डन शेड की जो ये वैरायटी है, ये एपी, मतलब आंध्रा, ये आंध्रा और तेलंगाना में बहुत चलती है।
हमने तेलंगाना में भी माल भेजा आदिलाबाद में, तो ये वैरायटी बहुत सारे लोगों का इसमें इंटरेस्ट था खरीदी में, तो उन्होंने मतलब 10 मिनट में हमारा जो पूरा एक गाड़ी भरा लोड था वो 10 मिनट में पूरा उन्होंने उठा लिया और रेट भी उन्होंने अच्छे दिए। तो ग्रीन वाला बाजू में आया था, डार्क ग्रीन, उसका रेट उससे आधा था, मतलब बहुत कम था। वो 25 पर केजी गई और ये 45 पर केजी गई, मतलब 50 तक के कुछ हुआ, कुछ 45 तक के हुआ। तो अभी मैं जानना चाहूँगा कि वायरस टॉलरेंट कैपेसिटी और इस पे थ्रिप्स का अटैक और इसकी क्वालिटी, इसके बारे में आपका क्या आपके विचार है, वो थोड़ा बताएंगे आप? थ्रिप्स का जो अटैक्स है, थ्रिप्स का अटैक जनरली चिली में आता ही है और थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन ये जो स्टारफील की जो वैरायटीज बनाई है, मैं तो अपने कंपनी वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से इस वैरायटी को, मतलब क्रॉप को वायरस थोड़ा फ्री करने का अच्छा उन्होंने ट्रीट किया है। और इसमें थ्रिप्स का अटैक है और जो है, जो अटैक वाला तो है ही, मतलब कवर जल्दी हो जाता है। हम स्प्रेइंग के लिए 10 दिन, मतलब 12 दिन भी अगर हो गए तो भी थोड़ा कवर उसमें जल्दी हो जाता है। और फ्रूट की जो साइज़ है वो बहुत अच्छी है, मतलब साइज़ भी बड़ी है और मार्केट में भी अच्छा उसका वैल्यू है। धन्यवाद सर। तो मुझे ये जानना था कि ये लाल में भी आपने तुड़ाई की है क्या? हाँ, अद्भुत वैरायटी का पीस में हमने शुरू में 2 तोड़े निकाले थे, उसका रेट हमें 35 से 40 तक मिला पर केजी। फिर हमने बहुत रेट डाउन हो गया, मतलब 50 तक आ गया, 15 रुपये केजी और 20 रुपये केजी में आ गया, हमने वो स्टॉप कर दिया, तोड़ना बंद कर दिया। तो हमने रेड में भी उसको निकाला और रेड में हमने 24 क्विंटल वो भी निकाले हमने, और ये नागपुर मार्केट हम भेजे तो उसमें हमको मतलब 10,000 पर क्विंटल रेट मिला, और शार्क वन का 16,000 पर क्विंटल रेट मिला। मतलब आप बोल रहे हैं कि 100 रुपये किलो अद्भुत का मिला और शार्क वन का 160 रुपये किलो के आसपास, 160 रुपये किलो के आसपास उसका रेट मिला। अभी 15 दिन पहले हमने नागपुर भेजा था पूरा लाल मिर्च का, हाँ, कलमना मार्केट के लिए। हाँ, और हरे में आपको शार्क वन का और अद्भुत का, मतलब अद्भुत का तो आप बता चुके हैं कि 25 रुपये से 45 रुपये किलो तक के इनको रेट मिला था इधर के लोकल मार्केट में, और शार्क वन का आपको कितना रेट मिला था लोकल मार्केट में, अगर यहाँ पे आपने कच्चा हरे कलर में बेचा था तो उसमें 25 पर केजी या 30 रुपीज पर केजी ग्रीन डार्क स्टार शार्क वन का उसका रेट मिला। तो अभी मैं आपको तुड़ाई के बारे में पूछूंगा कि तुड़ाई के बारे में आपका कैसा अनुभव रहा, पहले तुड़ाई में कितना लाल कितना हरा, ये थोड़ा सा आप अंदाजन बता पाए तो बेहतर रहेगा। आपकी रुपाई वैसे हुई कब थी, कौन से महीने में समझो? रुपाई हुई है 28 जुलाई। अच्छा। उसमें हमने रुपाई का 28 जुलाई को पूरा किया, मतलब 25 से चालू हुआ 28 तक हमारा पूरा हो गया, और वहाँ से फिर 60 दिन के बाद वो फर्स्ट तोड़ा हमने चालू किया और उसमें थोड़ा कम निकला माल, लोकल मार्केट में भेजा, 35 से 40 तक के रेट्स मिला। फिर बाद में और सेकंड तोड़ा हमने चालू किया अगस्त में, अगस्त के एंड में, सितंबर में, 15 सितंबर में, उसका भी रेट ठीक ठाक से मिला, लेकिन उसके बाद रेट डाउन हो गया अक्टूबर में, और डाउन हो जाने के बाद में हमने उसको स्टॉप कर दिया। फिर रेड के लिए पहला तोड़ा हमारे ये जो एरिया है इतना, इसमें 13 क्विंटल पहला तोड़ा निकला और दूसरा जो है वो 12 क्विंटल का निकला, मतलब टोटल पूरा जो है 25 क्विंटल का रेड वाला निकला। अभी तक आप दोनों वैरायटियों का अंदाजन आप बता सकते हैं कितने क्विंटल तक के आपकी पांचवी तोड़ाई, तो अभी मेरे ख्याल से आपकी आएगी, तो चार चौथी जो तोड़ाई हुई हमारी, हमने पूरा ग्रीन निकाला, उस समय में रेट्स 45 से 50 तक था, तो हमने पूरा 30 क्विंटल का पूरा रेड निकाला, ग्रीन निकाला, पूरा ग्रीन, पूरा झाड़ को हमने पूरा खाली कर दिया, पूरा खाली, उसके पास उसके इसमें एक भी मिर्च हमें नहीं रखा, रेड तो तुड़ाई लिया, फिर बाद में हमने पूरा ग्रीन खाली कर दिया। अभी ये देखो, अभी 10-12 दिन हो गए, 10-12 दिन में ये ऐसा डेवलपमेंट हुआ है, अभी ये 5-6 दिन में तोड़ा चालू होगा और ये पूरा हम ग्रीन निकालने की इसमें है क्योंकि रेट भी अच्छे है। अच्छा, तो ग्रीन का जो रेट है आज, जो हमने अभी 15 फरवरी
2022 घाटंजी मार्केट में हमको ये 40 रुपीज पर केजी मिला। सर कितने कितने दिनों के अंतराल में अद्भुत को माल लगता है और शार्क को माल लगता है, मतलब कितने दिन के इंटरवल में, समझो 15 दिन 20 दिन, कितने दिन समझो? इसका एक ही झाड़ का एक ही खासियत है, ये छोटे से मतलब छतरी जैसी होती है ना, छतरी छतरी के जैसा वो उसका आकार बन जाता है और अब एक एक स्टेप बाय स्टेप चलता है, नीचे का खाली हो गया कि ऊपर और छतरी बनाना चालू होता है। ऐसे अभी ये देखो, ये अपनी ये जो छतरी है फोर्थ, ये पूरा छतरी वाला ये जो छतरी बनाया है इस प्लांट ने, ये फोर छतरी है, मतलब पहले की चौथी, ये चौथा स्टेप है इसका। थ्री स्टेप जो है वो नीचे में खत्म हो गया, खत्म होते ही वो अपना ग्रिप जो है ऊपर आके और बढ़ाती है। लेकिन हाँ, लगभग एक पेड़ को कितना, लगभग एक पेड़ को फिर कितना, एक एक दो दो किलो तक के माल निकल जाता है? एक डेढ़ किलो तक ये तो माल अच्छे से निकल जाता है। अच्छा, मतलब उसमें हाँ एक एक पेड़ के लिए, हाँ देख सकते हैं वहाँ पे भी अच्छा है। लेकिन शार्क वन का इसमें जो है वो रेड के लिए बहुत अच्छा है, हाँ वो ग्रीन चिली बेचने के लिए, जो डार्क ग्रीन है उसके लिए वो ठीक, हाँ मार्केट के हिसाब से हाँ अद्भुत जो है वो जल्दी आ जाती है, मतलब उसका सेकंड क्रॉप जो है वो जल्दी पकड़ लेती है और उसका ग्रोथ भी फास्ट हो जाता है। लेकिन शार्क वन में वो रेड के लिए इतना फास्ट बन जाती है, रेड बन जाती है पूरा माल। अब देखो इसका दो ही तोड़े हुए है, लेकिन दो तोड़े में पूरा माल खाली हो गया, दो तोड़े में, दो रेड में, और इसका रेड में भी अच्छा क्वालिटी है, मतलब खाने में हमने जो अपने आजू बाजू वालों को दिया है उनका इतना अच्छा फीडबैक है कि हमें ये वैरायटी कलरबाज भी है और तीखी भी है। मतलब शार्क की बात कर रहे हैं कि शार्क वन वैरायटी, कलरबाज भी है और ग्रीनरी में ये भी हमने फीडबैक लिया है, जिन लोगों ने हमारे से खरीदी उनका भी, व्यापारियों का फीडबैक आया है कि इसमें ग्रीन में तीखी तो है ही, मतलब खाने में भी बहुत अच्छी है, खाने में भी हाँ टेस्टी है और तीखी भी है, दोनों है। और इसका जो ग्रीनरीनेस है, मतलब जो पीलापन है इसमें, उतना घर में ले जाने के बाद में 3-4 दिन तो आराम से वैसा ही ग्रीनरी पड़ा हुआ रहता है, मतलब ग्रीन की खासियत बहुत अच्छी है, ऐसा उनका फीडबैक है। और इसमें डैमेज का प्रमाण बहुत कम है ग्रीनरी में। किसान भाई के तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं अद्भुत वैरायटी के एकदम बंच ऑफ, इतनी अच्छी लगती है ये, हरे कलर में आप देख रहे हैं, तोते के रंग में आने वाली वैरायटी है अद्भुत। बहुत सारे किसानों का था कि मराठीत म्हटलं तर बऱ्याचशा शेतकऱ्यांचं असं म्हणणं होतं की पोपटी सेगमेंटमध्ये चांगली एखादी वरायटी जी चांगला माल काढून देईल आणि चांगला भरगच्च वायरस टॉलरंट कॅपॅसिटीची शार्क वन सारख्या किंवा जिनी 26 सारख्या वरायटीची सारखी राहील, तर अशीही वरायटी आज आपल्याला पण इथे शेतकऱ्यांकडून त्यांची बाजू मानून घेतोय आणि त्यांच्याकडचे ते आपण अनुभव इथं बघितलेच आहे। और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।